बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.7 हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से होगा? वैसे हम ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सिक्वेंस के जो है वो फॉर्मूलाज को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, कह रहे हैं ए जो है ना वो बराबर है बी बाय टू प्लस बी स्क्वायर बाय फोर प्लस बी क्यूब बाय एट। अगर आप इसको देखें, ये सम मतलब इन सब का सम करेंगे तो ए बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं, समझें बात को। इन शॉर्ट ये सम ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइट सीरीज है ना, इसलिए तो ये इन शॉर्ट सम ऑफ इन्फिनिटी को कहना चाह रहे हैं कि ये बराबर किसके है, ए के है, ऐसा ही कह रहे हैं, या मैं गलत समझ रही हूँ? बिल्कुल सही समझ रही हूँ, अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलिए ये तो मैंने सपोज कर लिया। अब ये एक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब कि ए जो फर्स्ट टर्म हमारे पास हुई वो हुई बी बाय टू, ऐसा ही है। ये मैंने लिख दिया कि फर्स्ट टर्म है बी बाय टू। और अब आपको रेशो मालूम करना है, तो रेशो किस तरह मालूम करेंगे आप लोग? रेशो आपको पता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही लिखूंगी डिवाइड के फॉर्म में। जब मल्टीपल फ्रैक्शंस बन रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा इस तरह लिख देती हूँ, ठीक है। तो डिवाइड बनाया, और डिवाइड किससे करना होगा? बी बाय टू से। आप चाहे तो इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। अब आपको इसका साइन चेंज करना होगा, सही है। साइन चेंज किससे होगा? डिवाइड से मल्टीप्लाई, बचपन से करते हुए आ रहे हैं आप लोग, है ना। खैर अभी भी आप लोग इतने कोई बड़े नहीं हुए हैं। टू से टू हो गया कैंसिल, और बी और यहाँ पर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आर जो आ गया हमारे पास वो आया, एक मिनट मैंने शायद कुछ गलत लिखा है, ये फोर है, फोर फोर फोर, ठीक है, ये फोर है, सही है। जो टू से टू कैंसिल नहीं हुआ, टू वन जार टू हो गया और टू टू जार फोर हो गया। तो इन शॉर्ट हमारे पास आर जो आया है वो आया है, आर को मैं कह रही हूँ कि वो आया है मेरे पास बी बाय टू, ऐसा ही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही ना अभी तक, मैं क्वेश्चन करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है? अब आपको पता है कि आर जो है वो बी बाय टू है आपके पास, और इन्होंने यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है कि बी जो है वो क्या है, तो बी जो है टू और जीरो के दरमियान है। देखिए इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जीरो से बड़ा है बी और टू से छोटा है। तो अप्रोक्सीमेट कंडीशन अगर हम सोचें ना, तो एक कंडीशन बन रही है लेस देन वन वाली, ठीक है। तो आप इसे फॉर्मूला भी लेस देन वन वाला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ जो कि है ए वन माइनस आर, ऐसा ही है, ठीक है। एट शेप नहीं है, इन्फिनिटी का साइन है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। चलें भाई ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है बी बाय टू, ठीक है, ये रही। और आर की वैल्यू क्या है? अच्छा आर की वैल्यू है हमारे पास बी बाय टू, अच्छा वन माइनस ये भी बी बाय टू है, ओके। अब आपको करना क्या है? सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है। देखें सम ऑफ इनिफिनिटी तो ऐसा ही रहा, ये बी बाय टू, और यहाँ पर आप डिवाइड का साइन बना के एलसीएम भी कर लें, टू माइनस बी हो जाएगा ये, टू माइनस बी बाय टू। आपको पता है कि मल्टीप्लाई के साइन में इसको करना होगा आपको कन्वर्ट, तो कर लेते हैं कन्वर्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बी बाय टू एज इट इज, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में किया तो ये हो गया रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। टू से टू हो गया कैंसिल, तो आपके पास आया बी टू माइनस बी, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए, अच्छा मैंने यहाँ पे सम ऑफ इनफिनिटी को ए के बराबर नहीं लिखा, स्टार्ट में ही लिख देना चाहिए था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सम जो है वो ए के बराबर है, सही है ना। तो यहाँ पे मैं लिख कर के सम जो है ए के बराबर है ऐसे करके बता सकती हूँ, ठीक है। खैर आप ए के बराबर ले लीजिएगा, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिख देती हूँ, चले सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए। तो हमें पुट कर रही हूँ ए, ये हमें पता है पहले से, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, अभी क्या आया ए बी, हाँ बी, और टू माइनस बी, ये रिमेनिंग बचा है ना आपके पास। अभी टू माइनस बी यहाँ डिवाइड में वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए टू माइनस बी इज इक्वल टू बी, ऐसा ही है। अब इसको अब जरा और सॉल्व करें, टू ए जार हो जाएगा टू ए, क्योंकि सॉल्व तो करना होगा, और टू बी जार हो जाएगा टू बी, और ये बी एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब बी वाली वैल्यूज को आप लोग चाहे तो एक तरफ कर सकते हैं, अच्छा टू बी नहीं हो रहा है, टू ए और ए बी हो रहा है, ए को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ ना, टू ए जार टू ए और ए बी जार ए बी। अब बी इस माइनस की ए बी को इज इक्वल टू के इस तरफ आप लोग ले जाए,
माइनस की ए बी को इज इक्वल टू की इस तरफ अगर ले जाते हैं तो किस तरह का हमारे पास कंडीशन आती है। देखें ये टू ए तो है और ये माइनस का ए बी इज इक्वल टू की इस साइड आकर हो जाएगा प्लस का ए बी, तो आप इसमें से बी को कर लें कॉमन। अगर मैं बी को कॉमन लेती हूँ तो कंडीशन कुछ इस तरह आएगी, ए प्लस बी, ये लिखेंगे आप लोग सही है, ए प्लस बी नहीं, यहाँ वन बच रहा है, ए प्लस वन, ए प्लस वन, क्योंकि इसके पास तो एक ही बी था वो भी हमने बाहर की तरफ कॉमन ले लिया। अब ये ए प्लस वन आ जाएगा डिवाइड में, मतलब बी तो एज इट इज था, ये टू ए भी एज इट इज है, ये ए प्लस वन मैंने यहाँ पर इस तरह किया, ये वन प्लस ए बोले ए प्लस वन बोले एक ही बात है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सॉल्व हो रहा है आगे, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और एक और बात, हमें यही आंसर तो लेकर आना था सही है, हमें प्रूफ करना था कि ये पूरी सीक्वेंस इसके बराबर है सही है। ये स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी, शायद नहीं बताया मैंने, तो ये हमें प्रूफ करना था कि इस सीक्वेंस का सम अगर हम करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल, अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले समराइज कर लूँ। देखिए सम जो था वो ए के बराबर था, मैंने ए लिखा, उसके बाद फर्स्ट टर्म और रेशो निकाला, उसके बाद फॉर्मूला लगाया। आप चाहते तो ये ए जो सम के बराबर में लिखा था यहीं पर पुट कर लेते, बल्कि यहीं पर पुट करना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, फिर इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि ये प्रूफ हो जाए, तो ये शो हो गया और प्रूफ हो गया। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स। अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। पहले तो बता दूं कि सम होता क्या है, हम जानते हैं कि सम क्या होता है, सम होता है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। चलो ये तो हमें पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, वन माइनस आर मैंने लगाया है यहाँ पर फिलहाल। अब कंडीशन क्या है, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, ये मैंने लिख दिया सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज बराबर है इस हाफ हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। देखो टर्म्स होती क्या है, पहले तो बच्चों टर्म्स होती है ए, फर्स्ट टर्म कहलाती है ए, सेकेंड टर्म कहलाती है ए आर, इस तरह थर्ड टर्म कहलाती है ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर, और फिर थर्ड टर्म कहलाती है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, और इसका भी ये स्क्वायर करने को कह रहे हैं, तो मतलब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और ये ए आर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर और आर फोर, मतलब कि जो टर्म्स होती हैं आपकी सिंपल ए ए आर और ए आर स्क्वायर, इनका भी आपने स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया स्क्वायर सही है, इनफाइनाइट सीरीज है ओके। अच्छा इनफाइनाइट सीरीज हो गई और ये हमने कर लिया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये है फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इसे करना है अभी हमने और सॉल्व, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे कहानी कैसे चल सकती है सही है, फर्स्ट कंडीशन। अब आगे ये करना है कि ए वन माइनस आर, ये साइड तो एज इट इज रहेगी, इस पर आपने हाफ भी एज इट इज छोड़ देना है, इस पर आपने सम का फॉर्मूला लगाना है, तो देख ले क्या टर्म्स बन रही है। टर्म्स में यहाँ लिख देते, देखिए ए की वैल्यू तो बन रही है ए स्क्वायर ऐसा ही है, और आर की वैल्यू क्या बनेगी, आप कर लें इसको डिवाइड रफ में कर लें या यहाँ पर ही कर लें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को डिवाइड करना है ए स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट आर स्क्वायर बन रही है आर की वैल्यू। तो फॉर्मूला है क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म ए है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर वन माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू तो आर स्क्वायर आई है, आपके सामने भी मैंने करके दिखाया आपको, ये हो गई यहाँ पर बात। अच्छा अभी सॉल्व हो रहा है और बिल्कुल आप लोग कहेंगे बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, देखें ये तो ए वन माइनस आर एज इट इज रहा, ये ऐसे करें टू भी यहाँ ले जाए डिवाइड में, वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस पर लगाते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसका मतलब कि वन प्लस आर और वन माइनस आर का फॉर्मूला, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएं तो साइड में जरूर मेंशन करें,
फिलहाल अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा काफ़ी ना, अगर मैं इस तरह करने की कोशिश करूँगी। आप लोग करिएगा क्योंकि काफ़ी स्पेस होगा आप लोग के पास। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हम इस 1 माइनस आर को, इस 1 माइनस आर को कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है अगर इक्वल टू की साइड्स डिफरेंट हो। सही है, ये यूँ समझो कि 1 माइनस आर यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाकर हो गया मल्टीप्लाई में और ये हो गया कैंसिल। ऐसा ही अब तक हुआ है, और बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर से ए कैंसिल कर दें, मतलब ये ए मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आकर हो गया कैंसिल, सिंपल सी बात है। तो आपके पास इस तरह कंडीशन बन रही है, 2 आ रहा है ए और यहाँ पे 1 प्लस आर, सही है ना, 1 प्लस आर। अब क्या करेंगे, 1 प्लस आर को इजिकल टू के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस आर इज इक्वल टू ए। सही है, तो यहाँ पर इसको आप नेम कर दें इक्वेशन 1। अच्छा, मैंने आपने नोट किया होगा अभी सवाल पूरा नहीं पढ़ा, अब सवाल को पूरा पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 4 बाय 4 1 बाय 2, ये सेकेंड कंडीशन है। देखिए फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व हुआ ही नहीं, हमें सीरीज मालूम करनी है। सीरीज मालूम करने के लिए ए पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, तब भी हम उसकी सीरीज बना सकते हैं। सीरीज तो ऐसे ही निकलेगी ना, ना अभी ए आया ना अभी आर आया, तो अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 तो हो गई, सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करना है। सेकेंड कंडीशन है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसे ही फर्स्ट टू टर्म कहेंगे ना, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये मैंने लिख दिया इस इक्वल टू 4 1 बाय 2, यही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा अभी फिलहाल। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ये हो गया 1 प्लस आर। इसको सॉल्व करें, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाय 2, इसी तरह की कंडीशन कुछ बन रही है, 9 बाय 2 हो गया है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन। ओके, अब अगर आप इसको नोट करें, ये है 2 1 प्लस आर, इसको भी 2 1 प्लस आर करके कंपेयरिंग की जा सकती है, तो आप इस करें इसको यहाँ मूव कर दें और ए को यहाँ मूव कर दें, तो इन शॉर्ट 1 प्लस आर और 2 को मैंने यहाँ मूव कर दिया और ये हो गया 9 बाय ए, इसे कहते हैं इक्वेशन 2। सही है ना, अब इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास, इक्वेशन 1 हो गई, इसे कर लें आप डिवाइड कर लें या कंपेयरिंग कर लें, एक ही बात कहलाएगी। तो क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो मुझे तो बेटर ये लग रहा है कि कंपेयरिंग कर ली जाए, ये बल्कि ऐसा कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, बात तो एक ही है और वो आपको जरा सारे से समझ में भी आएगा। अब ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो आप लोग करें इसको डिवाइड। इक्वेशन 2 में ऊपर रख रही हूँ, बात तो एक ही है, कुछ मसला नहीं है इसमें। हर इक्वेशन 2 को ऊपर रखा, इक्वेशन 1 को नीचे रखा, ए इस तरह मैं कर रही हूँ। अरे ये तो उस साइड था, मैंने इस साइड लिख लिया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, बल्कि नहीं क्यों कंफ्यूज होंगे। सही, इसी को इसी के साथ डिवाइड कर रही हूँ और 2 1 प्लस आर को मैं यहाँ लिख रही हूँ और इसी तरह 2 1 प्लस आर को मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, इसको आप यू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, और ये 9 बाय ए आप इस तरह लिखें और इसको बना दें डिवाइड, इस तरह लिखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब क्या करना है, ए की वैल्यू आने वाली है, ये आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि ए की वैल्यू तो अब आने वाली है, तो कैसे आएगी कि 9 बाय ए तो था ही, मल्टीप्लाई के साइन कन्वर्ट किया तो आपके पास ये हो जाएगा 1 बाय ए एज इट इज। ठीक है, और फिर इसको आपको और सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कंटिन्यू मैं यहाँ कर लूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोग को, पहले तो मैंने इस तरह कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन चलो मैं यहीं पर कंटिन्यू कर लेती हूँ। सही है, तो किस तरह आ जाएगा हमारे पास आंसर, नहीं मैं यहाँ करूँगी, ये हो जाएगा 9 वन 9 और ये होगा ए स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू 1। अब ए स्क्वायर वहाँ यहाँ डिवाइड में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इन शॉर्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और जब आप इसकी स्क्वायर रूट करेंगे वैल्यू का तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट करना है तो आएगा आपके पास प्लस माइनस में 3। सही, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है, दोनों वैल्यूज में आता है ये। अब ये बात तो आप लोग को पता ही होगी, चलें यहाँ तक हो गई बात, इसको मैं 3 को यू बनाऊँ ताकि ये डेसिमल ना लगे। अब ए प्लस 1 बाय 3 आगे, तो आप नोट करें मैं यहाँ पुट करूँ तो भी आर आ जाएगा, मैं यहाँ पुट करूँ तो भी आर आ जाएगा, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, तो पुट इन इक्वेशन 1
ये अब हमें काम करना है। उसके बाद पहले ये देख लें, इक्वेशन वन आपने देख लेना। अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ये इस पेज की नीड तो नहीं है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। अब पहले हम ए इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन वन जो है हमारे पास है 2 1 + r, और ए यहाँ था, ए की जगह मैं लिख रही हूँ 3। सही, 2 1 = 2 और ये हो जाएगा 2r, और ये 3 एज इट इज, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू के साइड आकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये 2r, और 3 आप माइनस करेंगे तो 3 से 2 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये तो अगर a इज इक्वल टू 3 के लिए, अगर a इज इक्वल टू -3 में पुट करती हूँ तब क्या वैल्यू आती है, मैं वो भी यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, लिख दिया मैंने a इज इक्वल टू 3 पुट करना, फिर a इज इक्वल टू -3, तो ये हो गया 2 1 + r, इस 3 की जगह माइनस का 3 आने वाला है, तो 2 हो गया, और फिर ये 2r ही रहेगा, ये माइनस का 3 रहेगा, तो ये प्लस का 2 यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -3 और -2 इस वक्त कुछ और ही कंडीशन में आएगा, मतलब कि -5, और -5 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो आर की एक वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ए की भी दो वैल्यूज़ है हमारे पास और आर की भी दो वैल्यूज़ है हमारे पास। अब हमें निकालनी है सीक्वेंस, अभी भी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ है। सो एक आपको ए इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 1/2 के हिसाब से सीक्वेंस मालूम करनी है। तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज। सही है, रिक्वायर्ड सीरीज निकालने के लिए अभी एक क्वेश्चन है, मतलब मुकम्मल नहीं हुआ है, थोड़ी सी स्टेप्स हैं आपके पास। दो सीरीज आएंगी, आपको पता है जब दो वैल्यूज आई हैं तो दो सीरीज भी आएंगी। चले भाई, ए प्लस ए आर इस तरह की सीक्वेंस होती है ना, और ए आर स्क्वायर इस तरह का है, सो ऑन ना। तो ए अगर आप ध्यान दें तो ए इस वक्त फर्स्ट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, और आर जो है वो 1/2 है फिलहाल, तो अभी आप ऐसे लिख के दिखाएं, फिर ए और आर जो है वो 1/2 है और स्क्वायर कर दें उसका। अब 3 तो एज इट इज है, और ये हो जाएगा 3/2, और ये ए की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी 3, तो आप इस तरह करें कि 3 तो है और 2 2 = 4, तो ये सीक्वेंस आ रही है आपके पास। अब एक सीक्वेंस आपको ए इज इक्वल टू -3 और एक आर इज इक्वल टू -5/2 के लिए भी मालूम करनी है, तो यही है द रिक्वायर्ड सीरीज लिखेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सीरीज कई कंडीशन बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ भी इज इक्वल टू हो तो अच्छी बात है। अच्छा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और आप ए जो फर्स्ट टर्म है वो है -3 + -3 और -5/2, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर -3 और -5/2 और स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -3 हो गया, -3 5 = 15, तो ये +15/2 हो गया। अब स्क्वायर की वजह से साइन तो हो जाएगा कैंसिल, तो 25 माइनस माइनस का 25 आएगा, 25 प्लस का हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 = 8, तो 25 3 = 8 क्या होगा, 75, और 75 जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है, और ये 2 2 = 4, तो इस तरह की सीक्वेंस कंटिन्यूस चलेगी। साइन में थोड़ा इशू है, आंसर अभी मैं चेक नहीं कर सकती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा फिलहाल। अच्छा, एक सीक्वेंस ये है, यहाँ भी डॉट डॉट दिखाएं ताकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी निशानदही हो सके। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स जो है ना बराबर हो। अभी जो मैंने ट्राइंगल बनाया है इसकी तो तीनों साइड बराबर होने वाली है ही नहीं, साफ दिख रहा है, पता नहीं कैसा ट्राइंगल मैंने अभी ड्रॉ किया, आप शायद थोड़ा बराबर बराबर सा लग रहा हो। खैर, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो। आगे कह रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ओरिजिनल ट्राइंगल से हाफ है। अच्छा, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सॉरी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और फिर कह रहे हैं ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट एक, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, उसको भी क्या कर दें आप, ज्वाइन करें, ये एक ट्राइंगल हो गया,
फिर कह रहे हैं ये हाफ पेरीमीटर का होगा, मतलब कि ये जो फुल ट्रायंगल है ना, इसके आधा पेरीमीटर इसका होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो मैंने इसके स्टमक में जो भी है इसमें ड्रॉ किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। वी फॉर्म अ सीक्वेंस, इसका मतलब दोबारा हम इसके मिड पॉइंट्स लें, इसमें भी एक ट्रायंगल बना दें, फिर उसकी मिड पॉइंट्स लें, उसमें भी एक ट्रायंगल बना दें। खैर इस तरह की इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है वो बनती जाएगी। अब इससे इसके अंदर मैं तो नहीं बना सकती, लेकिन होते होंगे ट्राइंगल्स। देखिए एक ट्राइंगल फिर इसके मिड पॉइंट से ये ट्राइंगल, फिर इसके मिड पॉइंट से ये ट्राइंगल और फिर ट्राइंगल। खैर इनफाइनाइट सीरीज है ये, जो मैट्रिक की कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वर्ड यूज किया। अच्छा ओरिजिनल ट्राइंगल जो नहीं था ये वाला, उसका पैरीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। ऑरिजिनल ट्राइंगल का पैरीमीटर है 5/2। इसका मतलब पहला पहली टर्म दी हुई है, पहला देखें 5/2 है, उसके बाद कह रहे हैं आर जो इसके इंटरनल वाला ट्राइंगल है ना वो हाफ है ओरिजिनल ट्राइंगल से। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये आपको रेशो दिया हुआ है 1/2 का, डिफरेंस हो गया ना, वो रेशो हो गया है ना। और इसे जो है क्यों रेशो कह रहे हैं, देखिए हर बार हाफ का फर्क आ रहा है। देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये इस वाला ट्राइंगल से हाफ, फिर दोबारा हाफ हाफ हाफ, तो ये रेशियो इन शॉर्ट हाफ हो गया। अब आपको ये तो पता है सम जो आपको मिलेगा वो इनफाइनाइट सीक्वेंस का मिलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हमें थोड़ा पता है कितने मिड पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स जो है इक्विलेटरल बने। जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना उससे ज्यादा छोटा जो है ना इसका सॉल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाना है, रेशो जो है वो 1 से छोटा है तो फॉर्मूला भी आपको यही वाला लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली कहानी हो गई। ए की वैल्यू है 5/2, 1 - r, r मतलब 1/2। ठीक है, इसका कर लें थोड़ा सा एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे भाई, 5/2 तो एज इट इज रहेगा ही, और डिवाइड का साइन बना दें और 2 - 1, 2 - 1/2। अब आप ना इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट भी कर लें और वैल्यू को पलट भी दें, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। कैसे करेंगे भाई, देखें सम है आपके पास, ये आपके पास समीशन है, ये 5/2 तो है ही, मल्टीप्लाई का साइन किया 2 हो गया, ये 2 - 1, 1 बचा। 1 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस तो सबकी होती है, तो 1 की भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 मेंशन नहीं करते। तो इन शॉर्ट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास क्या आ गया, लिख के दिखा दूं मैं आप लोग को, आई है वैल्यू हमारे पास 5। तो ये आपका आंसर है, एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई मुकम्मल। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 4.7 फाइनली जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब हम बहुत जल्द जो है वो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, न्यू डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।